गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ओम किसका मंत्र है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। और गीता किसने बोली? इस काल ने। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपने देख लिया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसका अंतिम सांस तक सेवन करके शरीर छोड़कर जाता है तो इस ओम से मिलने वाली परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में गीता में और 4 अध्याय के 5 और 9वें 10वें अध्याय के 2 श्लोक में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। यानी गीता ज्ञानदाता का उपासक भी जन्म मृत्यु के रोग से नहीं छूट सकता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि जो 4 अध्याय के 32 और 34 श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने की मैंने कहा है उस ज्ञान का आश्रय करके और उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4 श्लोक में गीता जी में कहा है उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा गीता फिर दिखाते हैं थोड़ा सा। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें बताया कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे तो उस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले यानी पूर्ण परमात्मा की जानकारी रूपी संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उस ज्ञान को समझ कर उसके पश्चात। ये 4 श्लोक है 15वें अध्याय का। ये 4 उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है यो पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है जो सबका उत्पत्ति करता है उसकी शरण में जाने के लिए उसकी भक्ति के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा अपने से अन्य समर्थ भगवान की उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा की भक्ति कर उसकी भक्ति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा वो स्थान सतलोक जहाँ जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इस गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से ये देखिएगा 18वें अध्याय का ये 46वां श्लोक है। इसमें ये भी स्पष्ट कर रखा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अब स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने सब जीवों की भी उत्पत्ति की है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है
उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा, यानी जो जैसा कर्म करता उसको कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब देखना, अब 62 में आ जाते हैं, अध्याय नंबर 18 के और श्लोक यहाँ पर लिखा है, अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है यो भगवान। फिर इसलिए कहा है 62 में कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी शरण में रहना है तो मेरा एक ओम अक्षर है, इसका जाप कर, पर युद्ध भी करना पड़ेगा और जहाँ युद्ध वहाँ शांति नहीं। तो ये कह रहा है कि मेरे शरण में रहना, युद्ध तो करना पड़ेगा तेरे, और तू कति संपूर्ण कंप्लीट पीस चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते उसको प्राप्त होगा। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज ले, ऑप्शन छोड़ दिया, मैं नहीं जानता उसके बारे में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का संकेत है, निर्देश है, ओम तत्सत, ओम सर्वपुरुष ब्रह्म का, और तत् मंत्र ये गुप्त है ये अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट है, उन तीनों के ये मंत्र हैं, ये साधना है, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्त करना है जमीन से तो हम हैंडपम्प लगाने के लिए वो की मारे, हम वो पूजा नहीं कर रहे, वो प्रोसेस है, उसके पाने की साधना है। तो ये साधना है तीनों मंत्रों की, और फिर ऊपर हैंडपम्प लगेगा वो मशीन, वो सारनाम है। सतनाम का 2 मंत्र का अक्षर है, ओम और तत्, ये सांकेतिक। तो इससे तो श्वास वो श्वास की बोकी लगेंगी, और तीसरा सारनाम, फिर हैंडपम्प लगाया जाएगा, उससे वो जल यानी परमात्मा प्राप्त होगा। तो ये बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्म ने तिरविद समर्थ है, उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति का 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसके लिए वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उसका मंत्र बता दिया, उससे कर उसकी भक्ति करेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। कति सिंपल, कति स्पष्ट, क्लियर कर क्या। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसे परमात्मा का एक शब्द आपने सुना कि सच्चा सतगुरु को ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने बता मार्ग कौन बतासी। राइटर ऑफ द वेद एंड पुराण व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं, नारद जी बता रहा है कि मेरे पिताजी का एक बार विष्णु जी का संवाद हुआ, ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर बता रहे हैं, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना जानता, अपने नॉलेज में मैं तो उसी की ध्यान पूजा करता हूँ। दुर्गा कह रही है हिमालय राजा को कि तू केवल वो ब्रह्म की पूजा कर, सब बातें छोड़ दे, उसका एक ओम मंत्र है, और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना कर, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, तब तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, नहीं तो तेरी भी जन्म मृत्यु, मेरी भी जन्म मृत्यु। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगियो रे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु के अंदर देखो, इसी श्रीमद देवी भागवत के 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये वही श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमलाल गोस्वामी, इसके 123 पृष्ठ पे। या विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के कि तुम शुभ स्वरूपा हो, इस संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए,
फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृत हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी समझो, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये भी स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान, तीनों की जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और पिता दास ने बता दिया युग काल है, शिव पुराण में बाकी कभी डिटेल से फिर बताएंगे समय आने पर, क्यों तो लंबा चैप्टर है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, आजीवन पढ़ते रहेंगे, गुण गाएंगे, मालिक पाएंगे। अब थोड़ा सा और दिखा दो, इन सतयुग के ऋषि में ऋषियों को क्या ज्ञान था देखना, ये वही श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये छठा स्कंद और श्री संक्षिप देवी भागवत 414 पृष्ठ पर। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले राजन यह निश्चय है कि कलयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था, प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो यानी दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो व्यास जी ज्ञान दे रहा है, व्यास बता रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते, उसको देखना चाहते थे, ये खाक विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण हैं, ये इन्होंने दुर्गा की पूजा करा करते और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके लिए तत्वदर्शी संत छोड़ दो, तो ये खाक विद्वान थे। और वर्तमान के ऋषि ये नकली दानंद जैसे ये और ब्राह्मण ये देख क्या थे, ब्राह्मण पुण्यात्मा एक विशेष ध्यान रखना चाहिए हमने कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है, इस दास के पूजे गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो कहते थे हम संत हैं, ब्राह्मण वो हैं जो जंतर मंत्र करते फिरे हैं, कोई पितरा देखा है, कोई भूतां की बतावे है, कोई श्राद्ध काट दे अंडे, वो है ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण वह हैं, तो उन गुरु रूप में विद्वान प्राणी को ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने, वास्तविकता ये है, लेकिन एक परंपरागत पंडित उसको माना जाता है ब्राह्मण जो पंडिताई करता है, आम जन साधारण के लिए शब्द लागू नहीं है। अब ये क्या बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ग पंडित थे कलियुग के और कलियुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलियुग के ब्राह्मण है आजकल बताओ, इस समय लिखा है इनके इतिहास में, देखो ये वही छठा सेकंड पढ़ रहे हैं हम 414 पृष्ठ पे, ये हमने पढ़ लिया सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे ये। अब ये बताया है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था, सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग के ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये हो गया कलियर, परमात्मा की यह वाणी, साचा सतगुरु कोए न पूजे झूठों जगपतियासी, अंधे की वा गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोग गया रे।